Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Where are you from? Saudi Arabia. Would you like to tell me about Pakistan? Pakistan was made in 1947. Qaid-e-Azam made Pakistan. Qaid-e-Azam was made from Muslims. Are you with Kashmiris? Yes. Would you like to give any message for Pakistan? We are Pakistanis, we love Pakistan. बहुत इंजॉय किया 14 अगस्त को, काफ़ी मज़ा आया, पहाड़ियाँ वगैरह देखी। कश्मीर की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं दी ताकि कश्मीर आज़ाद हो जाए, हमें बहुत खुशी होगी ताकि वो आज़ाद हो जाएगा। आज देखे इतने हज़ारों लाखों लोग निकले हैं बाहर, यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो क्या इसी तरह का जज्बा अगर जंग हो जाए तो लोगों में होगा? यस, इससे भी ज़्यादा कौन बाहर आएगी, सभी लड़कियाँ बाहर आएंगी, अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे सब लोग मिलकर। व्हाट्स योर गुड नेम? Abdul Hadi. In which class do you read? Grade 1. Where you study? School and house. What's your school name? LGS. Where? In Lahore. Good. Do you love Pakistan? Yes. Pakistan zindabad. 14 agast kyun manate hain? हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान ने किसने आज़ाद करवाया था? कायदे आज़म ने। और आपका पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है? हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, इंडिया से हमारे पाकिस्तान हमारे लिए बहुत तरक्की करता है, हमारे पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। वेरी गुड। अगर हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाए तो आप क्या करेंगे? हम अपने पाकिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान हम 14 अगस्त मना रहे हैं अच्छे से। बेटा आप? 14 अगस्त मना, हम 14 अगस्त में आए हैं आज, बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। और ये आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये बहुत अच्छा सिलसिला है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये बनी, ये 14 अगस्त के लिए है, चौंक तरी है ये सब कुछ। जिसने आज़ादी मना रहे हैं आज, तो आपने कितना एंजॉय किया? बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने। क्या क्या करते रहे आप? पार्क में गया और आज़ाद कश्मीर के लिए नारे लगाते रहे, उनको आज़ादी मिले जम्मू कश्मीर के लिए। और सर हमने बहुत इन्जॉय किया यौम आज़ादी का इंशाल्लाह, और ईद का भी इन्जॉय किया है, पार्कों में जाकर हमने फुल जज्बे से मनाया 14 अगस्त। फ्रीजो आइलैंड गए हैं, चिड़ियाघर गए हैं, काफ़ी इन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इन्जॉय किया 14 अगस्त के दिन, काफ़ी तमाम पार्क वगैरह सजे हुए थे माशाल्लाह। इंशाल्लाह हर साल इसी तरह हम जोश खरोश से 14 अगस्त मनाया करेंगे। अच्छा, आपने व्हीलिंग वगैरह तो नहीं की गई? नहीं, नो व्हीलिंग नहीं हम करते। अच्छा, कश्मीर इस दफ़ा जो था 14 अगस्त, वो पूरा कश्मीर के लिए लोग निकले हैं। अगर जंग हो जाती है पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो फिर आप किस तरह निकलेंगे? फिर भी वह इसी जज्बे के साथ निकलेंगे इंशाल्लाह, इससे दो गुना जज्बे के साथ निकलेंगे। ये पहली लीडरशिप आई है जिसने कश्मीर के इशू पे बात की है, पिछली लीडरशिप भी थी, नवाज शरीफ आया, आसफ अली जरदारी आया, लेकिन उन्होंने इस तरह बात नहीं की। और मोदी को दुख भी है, नवाज शरीफ को क्यों भगाया, इमरान खान को उनको दुख भी है। सर हम सर पे खफर मान के निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की है जी इन्होंने कि ये जिस तरह से आज ये निकले हैं, सुबह से ले कर ये सारा दिन कश्मीर और यौम पाकिस्तान के सिलसिले में इन्होंने रैलियाँ में शामिल हुए, उसके बाद इन्होंने सारा दिन ये कश्मीर पाकिस्तान यौम आज़ादी कश्मीर के नारे लगाए, और मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। जिस जज्बे से निकले हैं लग रहा है जैसे इनकी आवाज़ें नहीं निकल रही, नारे लगाए गले खुश हो गए हैं इनके, और इसी तरह से जज्बा इनका बरकरार है, और ये इंशाल्लाह इनका जज्बा ये सर पे कफन बांध के निकलेंगे जैसे ही जंग हो जाती है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने जश्न आज़ादी आज किस तरह मनाई है? सर पिछले साल से कम मनाई है क्योंकि हमें कश्मीर वालों से हमदर्दी है, अल्लाह पाक उन्हें आज़ादी दे, तो पाकिस्तान आवाम को चाहिए 14 अगस्त उनके नाम की जाए, कश्मीर के साथ यकजहती की जाए, उन्हें साथ दिया जाए, हमें पाकिस्तान इंशाल्लाह उनके साथ है,
और भी तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज की आज़ादी का बहुत मज़ा आया, बहुत खूब इंजॉय किया। आज से हम आए हुए हैं इधर, खूब इंजॉय किया, फिर तुर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बहुत मज़ा आ रहा है। और जैसे यहाँ पर एक बालू भी है, वो असल में हकीकत में बालू नहीं है, इसके अंदर इंसान है। तो वो बेचारे गर्मी में ऐसे खड़े हो के अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि 14 अगस्त आज़ादी के लिए, 14 अगस्त वाले दिन के लिए स्पेशल आए हैं। और हम अगर इनको दिखाएं आपको, तो ये एक इंसान है इसके अंदर, और वो अपना जज्बा रखते हैं, आज़ादी का जज्बा रखते हैं, और इसलिए ये आज का दिन मनाने के लिए स्पेशल ये बालू बने हुए हैं, और अंदर से पसीने से भरे होंगे ये। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, और 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। 14 अगस्त का दिन यही रहा है कि बच्चों ने कहा है मुझे 14 अगस्त दिखाएं, मेरा दिल नहीं किया कश्मीर की वजह से, वैसे इधर आया हूँ, बस दिल किया, दो मिनट दे दिए हैं। 14 अगस्त के सिलसिले में ये चीज़ें जो सेल कर रहे हैं, ये झंडियाँ, ये कैप्स और ये बैज वगैरह सारी चीज़ें ये बेच रहे हैं, और लोग बड़े जोश और खरोश से चीज़ें ले रहे हैं। इनमें जरा भाई आए हुए हैं ये चीज़ें लेने के लिए, इन्हें पूछते हैं आप क्या खरीदारी करने आए हैं? भाई हम ये लेने आए हैं, इस तरह की चीज़, ये चीज़ के लेने के लिए आए हैं। जो कैप? हाँ जी। तो ली नहीं आपने अभी तक? देख रहा हूँ कौन सा डिज़ाइन पसंद आएगा। यहाँ पर ये चीज़ें सेल कर रहे हैं भाई, इनसे पूछते हैं कि इनकी सेल कितनी हुई है आज, कैसी सेल हुई है? माशाल्लाह बहुत सेल हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, राशि बहुत पड़ा हुआ है, कोई इधर से खेचता है, कोई इधर से खेचता है, मुझे तो अफरा तफड़ी पड़ी हुई है, अकेला आदमी हूँ मैं, क्या क्या करूँ मैं। अच्छा ठीक कह रहे हैं, अकेले आदमी है, क्या क्या करें, कितना कुछ सेल हो रहा है माशाल्लाह, क्योंकि लोग आज 14 अगस्त है, यूम पाकिस्तान है, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, लोग परचेज कर रहे हैं चीज़ें। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है, छोटा बच्चा आया हुआ है चीज़ें लेने के लिए, और ये छोटे बच्चे से सवाल करते हैं कि आप किस सिलसिले में आए? अच्छा बच्चा चुप कर गया। अच्छा इनके फादर से पूछते हैं कि ये बच्चे को लेके आए, तो बच्चा एंजॉय कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल एंजॉय कर रहा है जी, ये जश्न आज़ादी के सिलसिले में हम निकले हैं, जश्न आज़ादी भरपूर जोश और खरोश से मना रहे हैं हम। ये जो 14 अगस्त है, इस 14 अगस्त में मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट 14 अगस्त आए ना, उसमें जो हमारे कश्मीरी भाई हैं ना, वो हमारे साथ इस तरह ही आज़ादी मनाएं। तो ये आज़ादी मनाने का जो हमारा जज्बा है, ये तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये वो बात नहीं है, वो खुशी नहीं है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान के साथ कश्मीरी भाई जो हैं वो साथ ही हमारी आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने, और ऐसा जज्बा हर किसी में होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी में ऐसा जज्बा है। अब आपको हम लेके चलते हैं सड़क पर, जहाँ पर लोग गुजर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, और इनसे पूछते हैं हम कि आज इन्होंने कैसी मनाई है 14 अगस्त। रोशनी थोड़ी सी कम है, ये भाई एक मोटरसाइकिल पे आए हैं, 14 अगस्त मना रहे हैं आप? हाँ जी। तो क्या क्या कर रहे हैं आप? आज़ादी का दिन मना रहे हैं आज। मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं, झंडियाँ वगैरह तो नज़र नहीं आ रही, बस वैसे इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं 14 अगस्त को। आप कहीं व्हीलिंग तो नहीं कर रहे आप? हाँ जी व्हीलिंग तो नहीं कर रहे, बस वैसे ही साथ। तीन तीन बंदे व्हीलिंग कैसे कर रहे हैं जी? आए हमने बहुत इंजॉय किया है, बहुत पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, और हमने पहाड़ियों में बहुत इंजॉय किया है, पहले की नस्बत इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। हालांकि तब्दीली आई हुई है, लेकिन हम तब्दीली की परवाह किए बगैर हम मोटरसाइकिल फिर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चा बच्चा पाकिस्तान के साथ है, हम कश्मीर की आज़ादी के लिए निकले हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर देखें जी, ये माशाल्लाह इन्होंने पूरा झंडा बनाया हुआ पाकिस्तान का, कमीज झंडे की है, शलवार वाइट कलर में है, पाकिस्तान पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने शौक, इतने जज्बे के साथ आपने ये कपड़े बनवाए हैं, ठीक है 14 अगस्त के लिए बनवाए हैं, और क्या किया आज आपने? बस आज इंजॉय किया, यानी कि पहाड़ी बनानी थी बस नहीं बनाई आज, तो हम इंजॉय कर रहे हैं 14 अगस्त। तो रैलियों में भी शिरकत की है हमने, और मेरा दोस्त भी है, उसने भी सेम ही बनाई है मेरे साथ ही, तो हम दोनों सेम ही हैं दोस्त, तो वो जरा कॉल पर लगा हुआ है, तो वो आता है तो फिर वो भी बताता है आपको कुछ। अच्छा थैंक यू। अच्छा आपने, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे 14 अगस्त का, क्योंकि आप इतना जोश जज्बा दिखा रहे हैं, ये कपड़े पहन के स्पेशल आपने दिखाया, कि लोगों को क्या कहेंगे, वो क्या करें जी? वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भरपूर कदम उठाएं, तो कश्मीर को आज़ाद करवाएं, हमारा यही जज्बा है। अगर जंग लग जाती है पाकिस्तान और इंडिया की,
तो आप इसी जज्बे के साथ लड़ेंगे? जी बिल्कुल इसी जज्बे के साथ लड़ेंगे, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पर एक बच्चा आया हुआ है, इन्होंने भी पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है, और ये देखे लोगों का पाकिस्तान के साथ प्यार। भाई आपने ये शर्ट क्यों पहनी है? ये हम हमारी पाकिस्तान जान है, इसे हमें आज़ादी मिली है कि हम आज़ादी मनाने के लिए ये हमने आज़ादी मनाई है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इमरान खान की लीडरशिप को, जिन्होंने कश्मीर के इशू पे बात की है। अप्रिशिएट करता हूँ इमरान खान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।